हिमाचल में कुल्लू जिले की खूबसूरत पार्वती घाटी में मौजूद मणिकर्ण सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में आती है। पवित्र गुरुद्वारे के लिए प्रसिद्ध ये जगह अपने गर्म पानी के झरनों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। आपको बता दें कि यहाँ के गर्म उबलते पानी का उपयोग मणिकर्ण साहिब में आने वाले भक्तों के लिए लंगर तैयार करने के लिए किया जाता है। इस गर्म पानी का राज जानने के लिए विदेशों के कई वैज्ञानिकों का आना जाना लगा रहता है। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के इस फेमस गुरुद्वारे के इस रहस्यमयी कुंड के बारे में बताएंगे, जहां का पानी कड़ाके की ठंड में भी गर्म रहता। ये चमत्कारी कुंड हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती घाट में स्थित गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक ये गुरुद्वारा 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू शहर से यहाँ की दूरी 35 किलोमीटर। गुरुद्वारे के मणिकर्ण नाम के पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक जगहों और भगवान शिव और माता पार्वती ने 11,000 साल तक तपस्या की, लेकिन यहाँ रहने के दौरान देवी पार्वती का कीमती रत्न, या हम कह सकते हैं कि मणि, पानी में गिर गया था। भगवान शिव ने अपने शिष्यों को मणि ढूंढने के आदेश दिए, लेकिन लाख प्रयासों के बाद भी शिष्य नाकामयाब रहे और इस बात पर भगवान शिव क्रोधित हुए और उनकी तीसरी आंख खुल गई। ये देखकर वहां नैना देवी शक्ति प्रकट हो गई, जिन्होंने बताया कि मणि पाताल लोक में शेष नाग के पास है। इस तरह शिष्य उनसे मणि वापस लेकर आ गए, लेकिन ये बात शेष नाग को जरा भी पसंद नहीं आई और उन्हें इतना क्रोध आया कि उनके फुंकार से गर्म पानी की एक धारा शुरू हो गई।